आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 22 सितंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे सूरज नायर। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कि नई दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक आईटी प्रोफेशनल हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से सूरज नायर कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही साथ जो प्रतिभागी को 3 लाइफलाइन दिया जाता है वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच पे ये जिस तरीके से इस क्विज गेम शो को खेले हैं और जहाँ पे लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए वहीं पे लाइफलाइन का इस्तेमाल ये किए हैं और बिल्कुल सोच समझ कर जिस तरीके से ये अपने ऑप्शन को लॉक करवाते थे काबिले तारीफ है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। चलिए हम आपको सबसे पहले बता दें कि ये केबीसी के मंच से 25 लाख की राशि जीत कर गए हैं। 25 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही जवाब न मालूम होने के कारण साथ ही साथ किसी भी लाइफलाइन को न बचने के कारण ये गेम को क्विट कर देते हैं और इस तरीके से 22 सितंबर को केबीसी के मंच से सूरज नायर 25 लाख जीत कर जाते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें सूरज नायर अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 1,60,000 के प्रश्न पे जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 1,60,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में किस शहर को दिखाया गया है, यानी कि एक वीडियो दिखाया गया था जिस वीडियो को अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस वीडियो को दिखाने के बाद जो है इनको बताना था कि इस वीडियो क्लिप में किस शहर को दिखाया गया है। चार ऑप्शन है, ए आगरा, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और डी इंदौर। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था इसलिए ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन बी यानी कि जैसलमेर। इस तरीके से ऑप्शन बी को लॉक करवा कर ये जीत जाते हैं 1,60,000। उसके बाद ये अपने दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 6,40,000 के सवाल पे जो कि 50-50 था। देखिए 6,40,000 का सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने एक से अधिक टीमों के लिए रणजी ट्रॉफी खेला है। चार ऑप्शन है, ए सौरभ गांगुली, बी एमएस धोनी, सी सचिन तेंदुलकर और डी राहुल द्रविड़। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था इसलिए 50-50 का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में दो गलत विकल्प को मिटा दिया जाता है, उसके बाद ऑप्शन ए और डी यहां से रिमूव हो जाता है, फिर बची हुई दो विकल्प में से ये ऑप्शन बी यानी कि एमएस धोनी को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद ये अपने तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 12,50,000 के सवाल पे जो कि वीडियो कॉल अ फ्रेंड था। देखिए 12,50,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी इनमें से किस रियासत के दीवान थे। चार ऑप्शन है, ए नवानगर, अलवर, राजकोट और बड़ौदा। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर 110% श्योर नहीं थे। जबकि सूरज नायर अपने केस के आधार पे या फिर इनको जो एहसास हो रहा था वो ऑप्शन ए की ओर ये ज़्यादा जा रहे थे, लेकिन 100% श्योर न होने के कारण ये अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है रजनी डोगरा और इनके तरफ से ऑप्शन सी यानी कि राजकोट को लॉ करवाने के लिए जो है निर्देश दिया गया है। हालांकि ये भी 110% श्योर नहीं थी लेकिन ये यही बता कर गई है कि मेरे गेस के आधार पर राजकोट जो है इसका सही विकल्प है। उसके बाद सूरज नायर जो है ऑप्शन सी को लॉक करवाने के लिए बोलते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा ऑप्शन सी यानी कि राजकोट को लॉक करने के बाद ये जीत जाते हैं 12,50,000। 12,50,000 जीतने के बाद 25 लाख का प्रश्न आता है जिसका जवाब जो है इनके पास 100% मालूम होता है और जीत जाते हैं 25 लाख। 25 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछते हैं जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और इसी प्रश्न का सही जवाब न मालूम होने के कारण ये गेम को क्विट कर देते हैं। जो उत्तर और दक्षिण भारत की शैलियों को मिलाती है वेसर
वास्तुकला शैली का नाम किस जानवर के लिए संस्कृत शब्द से आता है? चार ऑप्शन है, ए गाय, बी गिलहरी, सी खच्चर और डी भेड़। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर 110% श्योर नहीं थे। साथ ही साथ इतनी बड़ी राशि पे कोई रिस्क भी नहीं उठाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर ये रिस्क खेलते और दुर्भाग्य से अगर वो ऑप्शन गलत हो जाता तो ये सीधे नीचे गिर जाते 3,20,000 पे। इसलिए सूरज नायर उचित समझे हैं इतनी बड़ी राशि के प्रश्न को क्विट कर देना, और इस तरीके से 50 लाख के प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर 25 लाख जीत कर जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को उसका सही जवाब बताना होता है, तो सूरज नायर अपने गेस के आधार पे ऑप्शन ए यानी कि गाय को लव करवाते हैं, जो कि इस प्रश्न का ये गलत विकल्प है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि खच्चर। इस तरीके से 22 सितंबर को केबीसी के मंच से सूरज नायर 25 लाख जीत कर जाते हैं।